आज इस जश्न का माहौल, आज जो ये उत्सव हम मना रहे हैं, इसकी छटा ही कुछ निराली है, क्योंकि आज हमारे साथ वो विशिष्ट कलाकार उपस्थित हैं, शामिल हैं हमारे जश्न में, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, श्रीमान अशोक पांड्या जी। जोरदार तालियां श्रीमान अशोक पांड्या जी के लिए। अशोक पांड्या जी के बारे में मैं फिर से कहना चाहूंगी, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ाव इनका काफी पुराना है। जन टीवी के डिबेट्स के पैनल में एक बहुत ही खास भूमिका श्रीमान पांड्या जी निभाते हैं। मैं अशोक पांड्या जी का जन टीवी की ओर से, पूरे कॉम्प्यूकॉम समूह की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर, आप आज हमारे साथ इस उत्सव में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी हमारे साथ यहाँ हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम दो लाइनें उनसे, एक तराना उनसे ना सुने? सर प्लीज। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दमुंडी एक लाइन आप गाना जरूर, आपको भी लगेगा और इस प्रोग्राम में अपन शामिल हो रहे हैं ऐसा लगेगा, सबको आता है, सबने सुना होगा एकदम। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना मन भी डोला मेरा ती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है, जो घूम जाते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी कॉम्प्यूकॉम कॉलेज की एक छोटी सी हमारी प्यारी सी साथी कोमल सेन को, और आनंद लीजिए इस खूबसूरत से नृत्य का। शुक्रिया। Yeah.
दोस्तों राजस्थान की इस छठा के बाद अब बेला आ गई है सम्मान की। जीवन महका करता है, यश चंदन होता है, उभरले होते हैं जिनका अभिनंदन होता है। तो दोस्तों मान सम्मान की इस बेला की घड़ी में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं अब्दुल गफ्फार साहब को, जनाब यागविंद्र साहब को, मधुभाट जी को, मुरारी जी को एक बार स्टेज पर पधारें। योगेंद्र शर्मा जी एक बार ऊपर आए हमारे साथ जुड़े। तो आइए दोस्तों इस सम्मान की बेला में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अब्दुल गफ्फार साहब को। एमडी सर से गुजारिश करूंगा कि एमडी सर एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल गफ्फार साहब को पेश करें। दोस्तों वो तालियां अब आनी चाहिए, जब इन्होंने कविताएं सुनाई थी वो तालियां अब इनके काम आनी चाहिए। ये स्मृति चिन्ह नहीं, ये एक सम्मान है, ये एक मकाम है, स्थान है। सुरेंद्र यागविंद्र जी से गुजारिश करेंगे एक बार मंच पर आ गए और सम्मान हमारा अतिथि हमारा ग्रहण करें। जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए। मुरारी जी से गुजारिश करेंगे, मुरारी जी स्टेज पर आगे पधारें और अपना आतिथ्य अपना सम्मान ग्रहण करें। और मुरारी जी आगे आए और सबसे सुरीली आवाज और मधु, जिनके नाम में शहद है मीठापन लिए हैं उनकी आवाज, मधु जी एक बार स्टेज पर आगे पधारें और हमारा सम्मान हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जोरदार तालियां मधु भाट जी के लिए। जोरदार तालियां मधु भाट जी के लिए। तो गफ्फार साहब से हम गुजारिश करते हैं जो चंद पंक्तियां उस वक्त बाकी रह गई थी उन चंद पंक्तियों के लिए हम गुजारिश करते हैं। चलिए स्मृति एक और छायाचित्र आंखों में और जहन में और वक्त को थामता है पल। तालियों से एक बार स्वागत कीजिए हमारे अतिथियों का। आज हमारे गुजारिश पर ये लोग यहाँ पधारे और हमारे इस जश्न आजादी के रंग में चार चांद लगाए, बहुत बहुत शुक्रिया।